हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप दैट आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आइए आज नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। कल हमने पढ़ा हुआ था कि माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कैसे यूज होता है, ठीक है। अब इसके बाद आज हम देखेंगे कि बहुत से एंजाइम्स हैं, केमिकल्स हैं, जिनके प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। मीन्स बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं, एंजाइम्स हैं, ठीक है, जिनको बनाने के लिए कोई न कोई माइक्रोब्स इन्वॉल्व होता है, या किसी न किसी माइक्रोब्स के हेल्प से एंजाइम्स या डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स बनते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट में भी माइक्रोब्स का अपना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। ऐसे इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट होते हैं उनको भी बनाने में माइक्रोब्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर माइक्रोब्स इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, माइक्रोब्स का इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, तो ये जो माइक्रोब्स है इनसे डिफरेंट टाइप ऑफ जो एंजाइम्स बनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जो केमिकल्स बनते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी हम स्टडी करते हैं करेंगे यहाँ पे कि कौन से माइक्रोब्स हैं जिनसे कुछ स्पेशल टाइप का एंजाइम्स या केमिकल्स पाया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा है वो माइक्रोब्स और केमिकल्स। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग डाला हुआ है केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो माइक्रोब्स हैं उनके थ्रू बहुत से केमिकल्स को भी पाया जाता है, बहुत से एंजाइम्स को भी पाया जाता है, और अदर टाइप के जो भी बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं उनमें उनके पाने के लिए, ठीक है, माइक्रोब्स का एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हेडिंग है आपका ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स, कि कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो किस माइक्रोब्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि हम माइक्रोब्स का यहाँ पे रोल देखेंगे ऑर्गेनिक एसिड के प्रोड्यूस होने में, यानी कि कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनसे किस टाइप का ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे एक साइड में मैंने एसिड के नाम दिए हुए हैं, एक साइड में माइक्रोब्स का नाम है, ठीक है। वन बाय वन देखते हैं। सबसे फर्स्ट है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड एक टाइप का ऑर्गेनिक एसिड है और ये पाया जाता है एक टाइप के फंगस से, और उस फंगस का नाम है एस्परजिलस नाइगर। आप देख लो जो भी मैंने लिखा हुआ है, साइट्रिक एसिड, एस्टिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सभी वन मार्क्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि किस माइक्रोब से साइट्रिक एसिड बनता है, किस माइक्रोब से एस्टिक एसिड पाया जाता है, किस माइक्रोब से ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो साइट्रिक एसिड किससे पाया जाता है, एक फंगस से, और उस फंगस का नाम क्या है, एस्परजिलस नाइगर। तो एस्परजिलस नाइगर एक टाइप का फंगस है और उससे पाया जाता है एक टाइप का ऑर्गेनिक एसिड जिसका नाम क्या है, साइट्रिक एसिड। तो हम अब लिख सकते हैं कि एस्परजिलस नाइगर से क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड, या पूछा गया कि साइट्रिक एसिड किस माइक्रोब से पाया जाता है, तो हम आंसर दे सकते हैं एस्परजिलस नाइगर, जो कि क्या है, एक फंगस है। और ये भाई एमसीक्यूएस में भी आ सकता है, एमसीक्यूएस में दे देगा द साइट्रिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम, फोर ऑप्शन देगा आपका, एक ऑप्शन रहेगा एस्परजिलस नाइगर, या कभी इसको साइड में लिखता है ए नाइगर, ठीक है। तो आप इजिली अगर आपको लर्न रहेगा तो आप ठीक करके आप अपना करेक्ट आंसर पा सकते हो। सेकेंड है एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड फंगस से न पा करके एक बैक्टीरियम से पाया था, सिमिलर होता है तो बैक्टीरियम बोलते हैं, और बहुत से बैक्टीरिया होंगे तो बैक्टीरिया बोल देंगे, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी क्या है, एक टाइप का बैक्टीरियम है, और इससे क्या पाया जाता है, एस्टिक एसिड। तो एस्टिक एसिड किससे पाया जाता है, एसिटोबैक्टर एसिटी जो क्या है, एक बैक्टीरियम है। थर्ड मैंने लिखा है ब्यूट्रिक एसिड। ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है क्लास्ट्रिडियम बॉटुलिकम। क्लास्ट्रिडियम बॉटुलिकम जो है एक टाइप का बैक्टीरियम है, और इससे क्या पाया जाता है, ब्यूट्रिक एसिड। और मैंने जो लास्ट ऑर्गेनिक एसिड का नाम लिखा हुआ है वो है लैक्टिक एसिड, जो पाया जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम से। तो यह फोर मेन ऑर्गेनिक एसिड्स है, फोर मेन माइक्रोब्स है जिनसे यह डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है। इसको आप स्क्रीन शॉट ले लो, इसको आप लर्न कर लेना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साइट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर दैट इज अ फंगस, एस्टिक एसिड एसिटोबैक्टर एस्टी क्या है भाई, बैक्टीरियम है,
उसके बाद ब्यूटरिक एसिड क्या है, क्लास्टिडियम ब्यूटुलिकम से पाया जाता है, बैक्टीरियम है। और लैक्टिक एसिड किससे पाया था, लैक्टोबैसिलस, वो भी क्या है, एक बैक्टीरियम है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आप देख रहे हो एंजाइम्स एंड देयर फंक्शंस। कुछ एंजाइम्स हैं और उनके फंक्शंस हैं, ठीक है। एक काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले मैंने लिखा है एंजाइम लाइपेजेस। लाइपेजेस एंजाइम का मेन फंक्शन क्या होता है, फंक्शंस पूछा जाता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लाइपेज एंजाइम, पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस एंड आफ्टर दैट स्ट्रेप्टोकाइनेज। इन एंजाइम्स के नाम आप देख लो, सबसे पहले लाइपेजेस है जो यूज्ड होता है, यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस। अब डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस के फॉर्म में यूज क्या होता है, स्पेशली इन केस ऑफ लॉन्ड्री। लॉन्ड्री आप जानते हो क्या होता है, जो भी आप क्लोथ देते हो अगर उस पे कोई स्टेंस लगा हुआ है, आईडी स्टेंस लगा हुआ है, उसको रिमूव करने के लिए जो लॉन्ड्री वाले होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिटर्जेंट्स का यूज करते हैं। तो कॉमनली लाइपेज एंजाइम जो होता है वह हेल्पफुल होता है टू रिमूव आईली स्टेंस फ्रॉम द लॉन्ड्री। अब जो लॉन्ड्री है उसमें लाइपेज एंजाइम आईली स्टेंस को क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। ऐसे पेक्टिनेजेज है और प्रोटीएजेज एंजाइम है, इनका मेन काम होता है क्या, जो भी बॉटल में जूस पैक आता है उनको क्लियर करने के लिए पेक्टिनेजेज और प्रोटीएजेज एंजाइम्स क्या होता है, यूज होता है। तो पेक्टिनेजेज प्रोटीएजेज एंजाइम बॉटल्ड जूसेस जो होते हैं उनके क्लियरिंग के लिए यूज किया जाता है ताकि वो क्लियर दिख सके, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज एक टाइप का एंजाइम है, ये ऑब्टेन होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस। जेनेटिकली मॉडिफाइड मीन्स ऐसा बैक्टीरियम जिसके जीन को मॉडिफाइड किया गया हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है जिसके थ्रू हम जीन को मॉडिफाइड कर सकते हैं, जो आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे, ठीक है। तो ऑब्टेन फ्रॉम जेनेटिकली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, और इसको हम क्लॉट बूस्टर के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, क्लॉट बूस्टर, बिकॉज ये क्या करता है, जो ब्लड वेसल, कोई भी अगर हार्ट पेशेंट है उसके ब्लड वेसल से ब्लड क्लॉट को रिमूव करने का काम करता है, सो इट इज कॉल्ड क्लॉट बूस्टर। ये तीनों एंजाइम का नाम और इसका फंक्शन आप देख लो, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके केस में आपका लास्ट है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड देयर यूजेस, यानी कि बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स और उनका क्या यूज है। तो सबसे पहला हम लोगों ने एंजाइम्स देखा, फिर केमिकल्स देखे, ठीक है, लास्ट हम देखेंगे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड देयर यूजेस। बायो एक साइड में मैंने लिखा है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, बीच में मैंने लिखा है सोर्स या ऑर्गेनिक, किस ऑर्गेनिक से पाया जाता है भाई, क्योंकि माइक्रोब्स का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एंजाइम को पाने में, केमिकल्स को पाने में और बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स को पाने में, और उसके बाद हम यूज देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आपका है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, यह एक टाइप का बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है, किससे पाया जाता है, फंगस से। फंगस का नाम आप याद कर लो, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम इज ए टाइप ऑफ फंगस एंड दिस इज द मेन सोर्स ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए। यानी कि साइक्लोस्पोरिन अगर ये पूछा जाए कि किससे पाया जाता है, किस माइक्रोब से पाया जाता है, तो आप आंसर दे सकते हो क्या, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। क्या है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, एक टाइप का फंगस है। यूज देख लो, यह एक एंस इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट है। ये क्या है, कौन, साइक्लोस्पोरिन ए, यह एक इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट है इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। यानी कि ऑर्गन, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, पेशेंट होता है, हार्ट का हो गया, किडनीज का हो गया, ठीक है, तो उस केस में यह एज इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट है इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। मेडिकल फील्ड में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप नेक्स्ट है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स का मेन सोर्स क्या है, मोनास्कस परप्यूरियस। ये क्या है, ईस्ट है, ईस्ट आप ऑलरेडी जानते हो, तो मोनास्कस परप्यूरियस इज अ टाइप ऑफ ईस्ट एंड दिस इज द मेन सोर्स ऑफ स्टैटिन्स। और इसका यूज क्या है, यह एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। व्हाट इज स्टैटिन्स, यह ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको लो करने वाला एजेंट है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल का जो सिंथेसिस होता है उसको इनहिबिट करता है। मैंने लिखा भी है इट एक्ट्स बाय कंप्लीटली कंपिटिटिवली
इनहिबिटिंग एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, यानी कि वह उस एंजाइम के रोल को इनहिबिट करता है जो कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स के फॉर्म में स्टेटिन्स है, साइक्लोस्पोरिन एज इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट है इनकेस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। फिर दो तरीके के आपको बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स बताया गया, उनका यूज बताया गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो माइक्रोब्स हैं वह एंजाइम्स भी उनसे पाया जा रहा है, केमिकल्स भी उनसे मिल रहा है और बायोएक्टिव एजेंट मॉलिक्यूल्स भी उनसे मिल रहा है। ठीक है, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। उसके बाद हम बायोगैस प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बायोगैस के बारे में पढ़ेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा नेक्स्ट टर्म पे, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स काफी इंपॉर्टेंट है, आप उसे देखना मत भूलिएगा। अब आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वन बाय वन आपको एक एक वीडियो मिलता रहेगा। नाउ थैंक्स, हैव अ नाइस डे।